लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से आपकी बुक कह रही है कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक जो है वो थिक जो है वो व्हाइटिश कलर की थिक एक जो है वो नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड मतलब न्यूरॉन की बनी हुई एक डोरी है, सही है। और अगर हम इसकी देखें लोकेशन, तो ये कहाँ से अराइज होती है? मेडोला ऑब्लोंगेटा से। ये मेडोला ऑब्लोंगेटा है, तो ये बेलो मेडोला ऑब्लोंगेटा ही नहीं, देखिए ये मेडोला ऑब्लोंगेटा है, इसके नीचे से यहाँ से ये जो है स्टार्ट हो रही है एंड एक्सटेंड डाउन थ्रू द न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रे। मिसाल के तौर पर ये कहाँ से गुजर रही होती है? हमारी वर्टिब्रे है, तो हमारी वर्टिब्रे की कहाँ से गुजर रही होती है? ये न्यूरल कैनाल से। मिसाल के तौर पर ये एक वर्टिब्रे, ये इसकी न्यूरल कैनाल है, इस न्यूरल कैनाल से गुजरेगी। फिर ये दूसरी वर्टिब्रे है, इसके न्यूरल कैनाल से गुजरेगी। ऐसे ये वर्टिब्रे के न्यूरल कैनाल से गुजरती हुई जाती है और किस रीजन तक? अप टू द हिप रीजन, यानी हिप रीजन तक जो है ये जो है वो मौजूद होती है। मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है? मेडोला ऑब्लोंगेटा के नीचे से और हिप रीजन तक जाती है। और किस में से गुजर कर जा रही होती है? जो हमारी वर्टिब्रे होती है, वर्टिब्रे के अंदर जो न्यूरल कैनाल होती है उसमें से ये गुजरती हुई जो है वो जा रही होती है। आपको बताया कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रे जो है वो प्रोटेक्ट, सॉरी वर्टिब्रे जो है या वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, अब अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड का एक डोर्सल साइड बताऊं और वेंट्रल साइड कौन सा होता है स्पाइनल कॉर्ड का? अब मिसाल के तौर पे एक मैं एक पर्सन का ऐसे साइड व्यू बना रहा हूँ, ये अगर देखें ये इसकी मिसाल के तौर पे ये इसकी ये पर्सन है। अब ये इसकी ये ब्रेन है, ये मेडोला ऑब्लोंगेटा है, और ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये मिसाल के तौर पे ये इसकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है यहाँ से। अब आप देखो ये स्पाइनल कॉर्ड का ये वाला साइड जो है, इसका बैक वाला साइड जो है स्पाइनल कॉर्ड का, जो बैक साइड पर है, ये साइड स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल साइड होगा। ये आगे वाला साइड जो है स्पाइनल कॉर्ड का होगा, ये कौन सा साइड होगा? ये वेंट्रल साइड, यानी ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। अब देखो मैं यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनाता हूँ, अगर सिर्फ मैं अब यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड शो करता हूँ, अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, मैं स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है। अब ये वाला साइड जो है स्पाइनल कॉर्ड का, ये कौन सा साइड है? ये है डोर्सल साइड, और ये पीछे वाला साइड जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वेंट्रल साइड। एक डोर्सल साइड हो गया और एक क्या हो गया? वेंट्रल साइड। अब इधर देखो ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है किससे गुजर रही है? ये वर्टिब्रे से। ये एक वर्टिब्रे है और ये दूसरी वर्टिब्रे, ऐसे ये तीसरी वर्टिब्रे होगी। ऐसे वर्टिब्रे से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड है एक, ऐसे जाती जा रही है। अब कहता है कि ये वर्टिब्रे के दरमियान में से, वर्टिब्रे के कहां से? बिटवीन द वर्टिब्रे, वर्टिब्रे के दरमियान में से ऐसे नर्व निकल रही होती है स्पाइनल कॉर्ड से। क्या निकल रही होती है? ये ऐसे नर्व निकल रही होती है, इधर से भी निकल रही होंगी और ये इधर से भी निकल रही होंगी। फिर यहाँ पर भी नर्व निकल रही होंगी, इधर से भी निकल रही हैं और इधर से भी निकल रही होती हैं। अब ये नर्व जब स्टार्ट में निकलती है तो इसकी दो रूट होती हैं। एक रूट वो होती है जिसको हम कहते हैं डोर्सल रूट। चलो डोर्सल रूट को मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये डोर्सल रूट है। और एक रूट वो होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रल रूट। ये येलो से मैं शो कर रहा हूँ वेंट्रल रूट। तो ये देखो ये डोर्सल रूट और ये कौन सी है? ये वेंट्रल रूट। अब हम इस वर्टिब्रे को हटाकर सिर्फ ये जो है वो मैं स्पाइनल कॉर्ड को आपको दिखाता हूँ और स्पाइनल कॉर्ड से ये रूट जो है निकलती हुई मिसाल के तौर पर। अब ये देखें दोबारा यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड ड्रा कर देता हूँ, ये है एक, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। अब देखो अब ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ये डोर्सल साइड है, पीछे वाला साइड, यहाँ से एक रूट निकल रही है, इसको कह रहे हैं डोर्सल साइड। और ये आगे से एक रूट निकल रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम कह रहे हैं वेंट्रल साइड, सही ना? ये वाली, ये डोर्सल साइड और ये वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड से जो रूट निकल रही है इसको मैं कह रहा हूँ डोर्सल रूट, और ये जो वेंट्रल साइड से निकल रहा है इसको मैं क्या कह रहा हूँ? वेंट्रल रूट। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ वेंट्रल रूट। अब इधर देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी से मैसेज जो जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो ब्रेन में मैसेज जाता है
वो मैसेज कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है। मैसेज कौन लेके जाता है? सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन से जो मैसेज वापस आता है, वो मैसेज वापस कौन लेकर आता है? मोटर न्यूरॉन लेकर आता है। अब पहले मेरी एक बात समझ लो, उसके बाद फिर ये मैं व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और ये डोर्सल और वेंट्रल रूट को आगे मजीद डिस्कस करता हूँ। पहले एक चीज आप समझोगे। अब देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ये स्क्रीन शेयर हो रही है कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं? मिसाल के तौर पे ये मैं एक दफा स्पाइनल कॉर्ड बना देता हूँ। ये स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है ये। अब ये है डोर्सल रूट और ये हो गई कौन सी वाली रूट? ये हो गई वेंट्रल रूट। अब मिसाल के तौर पे ये आपका यहाँ पर से, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ पर कोई ऐसे मक्खी बैठ गई है यहाँ पर ही। अब ये मैसेज जाएगा कौन लेके जाएगा? ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है। कहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके चला गया? इस कहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट आया? आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट लॉन्ग होता है, एक सेल बॉडी होती है यहाँ पर इसकी, और फिर इसका जो है वो एग्जोन थोड़ा शॉर्ट होता है। ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आया है कहाँ पर? इस पैनल पर। ये रेड कलर का जो मैंने बनाया है ये कौन सा है? ये है सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज कहाँ लेकर आया है? आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और जिस रास्ते से लेकर आया है, जिस रूट से मैसेज आया है सेंसरी न्यूरॉन लेकर आया है, ये रूट क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी डोर्सल रूट। इस जगह को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं डोर्सल रूट, यानी जिस रास्ते से मैसेज आता है वो क्या होता है? वो डोर्सल रूट। फिर इस जगह पर ये सेंसरी न्यूरॉन एक दूसरे सेंसरी न्यूरॉन के साथ एक सिनेप्स बनाता है, और वो सेंसरी न्यूरॉन फिर मैसेज कहाँ लेके जाता है? आपके ब्रेन में। मैसेज कहाँ गया? आपके ब्रेन में। फिर ब्रेन में हमारे पास एक न्यूरॉन, यहाँ पर एक न्यूरॉन है जिसको हम कह रहे हैं इंटर न्यूरॉन। ये मैसेज किसके पास चला गया? इंटर न्यूरॉन के पास। ये जो ब्लू कलर का मैंने न्यूरॉन बनाया, ये कौन सा न्यूरॉन है? ये इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन मैसेज को एनालाइज करता है, यानी अब इंटर न्यूरॉन एनालाइज करेगा कि ये आपके हाथ पर एक मक्खी बैठी हुई है। अब इंटर न्यूरॉन कहेगा कि हाथ को थोड़ा सा झटकोगे तो ये मक्खी उड़ जाएगी। अब हाथ के मसल्स को इंटर न्यूरॉन ने ब्रेन से मैसेज आना है। अब ये जो ब्रेन से मैसेज आएगा, ब्रेन से मैसेज लेकर आएगा कौन सा न्यूरॉन? ब्रेन से मैसेज लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन आ गया। फिर इस मोटर न्यूरॉन ने अपना एक सिनेप्स बनाया यहाँ पर दूसरे मोटर न्यूरॉन के साथ। यहाँ बनेगा एक सिनेप्स इसके साथ, यहाँ से एक मोटर न्यूरॉन आया, सॉरी ये इसका एक्सॉन है। यहाँ पर इसने सिनेप्स बनाया दूसरे मोटर न्यूरॉन के साथ, और ये मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर गया इसका एक्सॉन किसको? आपके हाथ के मसल्स को। अब ये जो येलो कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये कौन सा न्यूरॉन है? ये है मोटर न्यूरॉन। और ये जो मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आया है, वापिस जो आया है, वो कौन सी वाले रूट से आया है? वो आया है ये वेंट्रल रूट से। तो अब आपको एक बात पता हो जानी चाहिए कि सेंसरी न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स होते हैं ज्यादातर, वो कौन सी वाली साइड पर होते हैं? वो डोर्सल रूट पर होते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं वो कौन सी वाली जगह पर होते हैं? वो होते हैं वेंट्रल रूट पर। यहां तक की बात समझ आई? फिर मैं आगे बताऊंगा अभी कुछ चीज। अभी मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन किया कि ये जो बिटवीन वर्टिब्रे होते के वर्टिब्रे के बीच में से ये जो डोर्सल रूट निकल रही होती है और जो वेंट्रल रूट निकल रही होती है, इसका काम क्या होता है? डोर्सल रूट में होते हैं कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन के एग्जॉन होते हैं, और वेंट्रल रूट के अंदर होते हैं किसके एग्जॉन? मोटर न्यूरॉन के। सेल बॉडी थोड़ा सा पीछे की तरफ होती है, ये मैंने उसमें ऊपर बना दिए। मुझे वानिका पूछ रही है सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? डोर्सल रूट में होते हैं या वेंट्रल रूट में होते हैं? वैसे ही अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है इन्हीं को सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन कह रहे हैं। देखो यूनिपोलर न्यूरॉन ह्यूमन के अंदर नहीं, वर्टिब्रेट्स में नहीं होते, ये इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन किसको कहते हैं? ये एक न्यूरॉन है ना, एक न्यूरॉन में से सिर्फ एक प्रोसेस निकल रहा है,
तो इसको कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनमें से दो प्रोसेस निकल रहे होते हैं ऐसे, वो होते हैं बाईपोलर न्यूरॉन, और जिसमें से बहुत सारे निकल रहे होते हैं उनको कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो हमारे पास तो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं या बाईपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन तो नहीं होते। लेकिन ये जो आपका सेंसरी न्यूरॉन है ना, जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, ये इस सेंसरी न्यूरॉन जो होता है इसमें से ऐसे एक निकल रहा होता है ये एक्सटेंड, फिर ये आगे चलकर दो में डिवाइड हो जाता है, एक एक्सॉन हो जाता है और एक डेंड्राइट। ये लगता है ऐसा है जैसे इसमें से एक पोल ही निकल रहा है सिर्फ, ये जो आगे चलकर दो में डिवाइड हो गया है। तो इस वजह से हम इस सेंसरी न्यूरॉन के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, और ये डोर्सल रूट के अंदर ही होते हैं सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन, लेकिन होते वो सेंसरी न्यूरॉन ही है। अब इसकी डिटेल में इतना हो गया ना क्लियर, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन चले मैंने आपको जनरली बता दिया। तो अभी तो हमने मैंने बात की आपसे किसकी, बात की डोर्सल रूट की और वेंट्रल रूट की, सही ये बात हो गई। अब आ जाते हैं इस, अगर हम सेंसरी इसका जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो एक व्हाइट मैटर होता है और एक ग्रे मैटर। क्या होता है ये व्हाइट मैटर और एक ग्रे मैटर, ये देखो ये जो स्पाइनल कोर्ड का ये जो क्रॉस सेक्शन लेते हैं यानी इसको ऐसे कट करते हैं, तो इसका जो सेंटर वाला एरिया होता है, ये मैं अगर इसका बनाऊं, ये जो सेंटर वाला एरिया है, ये ऐसे बीच वाला जो एरिया मैं बना रहा हूँ इसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर दे रहा हूँ, लेकिन ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है ये सेंटर वाला एरिया, ये जिसको मैं थोड़ा सा ये ग्रीन सा शेड दे रहा हूँ। तो ये बीच वाला जो एरिया है, इनर साइड जो है वो ये स्पाइनल कोर्ड का, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। इसका कलर ग्रे होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रे मैटर। और आउटर साइड वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं, आउटर साइड वाला जो एरिया है इसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। अब ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है और व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों होता है, अब एक बात सुनो, जब मैंने आपको ब्रेन बताया था, ब्रेन का सेरिब्रम बताया था, तो सेरिब्रम में मैंने आपको ये बताया था कि ब्रेन के अंदर क्या होता है, कि जो आउटर साइड होता है ये सेरिब्रम वाला साइड जो होता है, आउटर साइड ग्रे कलर का होता है और इनर साइड जो है वो क्या होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। आउटर साइड जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं ये ग्रे कलर का होता है, और इनर वाला साइड जो है वो ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम में व्हाइट होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में इसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में अंदर वाला साइड जो है वो ग्रे कलर का है इनर साइड, और बाहर वाला साइड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में किस कलर का है, व्हाइट कलर का है। तो बाहर वाला व्हाइट क्यों है, अंदर वाला ग्रे क्यों है, यहाँ पर बाहर वाला ग्रे क्यों है, अंदर वाला व्हाइट क्यों है, तो इसकी रीजन ये है कि जो हमारे न्यूरॉन होते हैं ना, यहाँ पर न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज होती हैं वो ज्यादातर कहाँ होती है, यहाँ पर आउटर साइड पर सेल बॉडीज, और उसके जो एक्सॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनर साइड पर, और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है। एक्सॉन पर क्या चढ़ी होती है, ये माइलिन शीट। माइलिन शीट की वजह से एक्सॉन का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट। तो इसके जो व्हाइट मैटर होता है उसमें एक्सॉन ज्यादा होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट चढ़ी होती है, तो इस वजह से इसका कलर व्हाइट हो जाता है। और जो ग्रे वाली साइड है वहां पर सेल बॉडीज ज्यादा होती हैं, और सेल बॉडीज का जो कलर होता है उस पर माइलिन नहीं होता, तो उसका कलर ग्रे होता है। जैसे यहाँ पर आप देखो ये जो सेंसरी न्यूरॉन आता है, सेंसरी न्यूरॉन का ये सेल बॉडी हो गई और इसका एक्सॉन व्हाइट मैटर में, फिर ये जो दूसरे न्यूरॉन के साथ बनाएगा अपना स्नैप्स बनाएगा, तो वो जो स्नैप्स बनाएगा दूसरे न्यूरॉन के साथ, तो उसकी सेल बॉडी यहाँ ग्रे मैटर में होगी, और फिर बाद में दोबारा उसका एक्सॉन व्हाइट मैटर में आ जाएगा। इसी तरीके से मोटर न्यूरॉन जो आएगा उसका एक्सॉन जो है वो व्हाइट मैटर में होगा, फिर जब ये दूसरे न्यूरॉन से सेल बॉडी बनाएगा उसकी सेल बॉडी ग्रे मैटर में होगी। तो मतलब ग्रे मैटर में सेल बॉडीज ज्यादा होती हैं और व्हाइट मैटर में एक्सॉन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कलर इसका व्हाइट हो जाता है, इसका कलर जो है वो ग्रे हो जाता है। समझ आ गई ये बात, आगे चलूं, ये बात समझ में आ गई है, तो ये आपकी बुक में नहीं बताया हुआ लेकिन मैंने बता दिया है आपको कि ये क्यों ग्रे होता है और क्यों जो है वो व्हाइट होता है। अच्छा अब एक और बात सुनो, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मैंने आपको क्लियर किया, अब आपकी बुक में एक और चीज लिखी हुई है, डोर्सल रूट गैंग्लियन। अब क्या होता है ये डोर्सल रूट गैंग्लियन,
सबसे पहले तो याद रखो, गैंग्लियॉन कहीं पर भी आ जाए तो गैंग्लियॉन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। और आपको पता है कि सेल बॉडीज को हम सोमा भी कहते हैं। अगर किसी न्यूरॉन की सेल बॉडीज एक जगह पर कभी जमा हो जाए तो उसको सेल बॉडी की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल बॉडीज की कलेक्शन को, के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, सेल बॉडीज की कलेक्शन के लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं इसको सोमा, सॉरी गैंग्लियॉन। सेल बॉडी की एक जगह जमा हो जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गैंग्लियॉन। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। अब एक बात देखो, स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आगे वाला पॉइंट आपको समझा रहा हूं। अब देखो, यहां से जो डोर्सल रूट से जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहे होते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन नहीं आ रहा होता, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन आ रहे होते हैं, और सेंसरी न्यूरॉन की बॉडी यहाँ आके जमा हो जाती है, फिर ये आगे चला गया, फिर ये एक और सेंसरी न्यूरॉन आया, फिर उसकी बॉडी यहाँ जमा हो गई, फिर ये आगे चला गया। तो डोर्सल रूट के एक साइड पर थोड़ी सी स्वॉलिंग हो जाती है, ऐसे ये थोड़ी स्वॉलिंग बन जाती है, और इस स्वॉलिंग में क्या होती है, सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज जमा होती हैं, और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियॉन। और एक और बात याद रखिएगा, ये सेंसरी और ये जो मोटर, ये जो डोर्सल और जो वेंट्रल रूट है ना, ये आगे चलकर क्या होता है, ये आगे चलकर दोनों ऐसे मिल जाती हैं, ऐसे मिल जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन अपना मैसेज अलग अलग लेके जा रहे होंगे, यानी यहाँ पर अगर ये सेंसरी न्यूरॉन है तो यहाँ पर मोटर न्यूरॉन है, वो अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये दोनों ऐसे मिक्स हो गए। जब ये आगे चलकर मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व, यानी इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम इसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्व। मतलब ये कि देखे, ये अगर स्पाइनल कॉर्ड है, ये अगर मिसाल के तौर पे अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये डोर्सल रूट है और ये वेंट्रल रूट है, आगे चलकर ये दोनों आपस में क्या है, इसे मिल जाएगी। ये जब मिल जाते हैं आगे चलकर तो इसको हम कहते हैं पेरी फेरल नर्व। नर्व क्या होती है, बेसिकली एक्सोन का जो बंडल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको नर्व कहते हैं। अब ये देखो, लेकिन इस नर्व के अंदर पेरिफेरल नर्व में दोनों होंगे, यहाँ पर ये स्पाइनल नर्व भी है, उनके फाइबर्स भी होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, मोटर न्यूरॉन के फाइबर भी होंगे, यानी एक मैसेज लेके जा रहा होगा, एक स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जा रहा है और स्पाइनल कॉर्ड से एक मैसेज लेकर आ रहा है, लेकिन आगे चलकर दोनों मिल गई हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पेरिफेरल नर्व कह रहे हैं। तो यही बातें कुछ आपकी बुक में बताई हुई है, लेकिन एक बात जो आपकी बुक में बताई हुई है वो मुझे नहीं समझ आता है कि उन्होंने क्यों ये चीज लिख दी है। जैसे आपकी बुक कह रही है, यहाँ पर कहती है द आउटर रीजन कंसिस्ट ऑफ न्यूरोन वाइल द इनर रीजन कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर ऑफ ग्रे मैटर, यानी वो कह रहा है कि इसके बारे में बात कर रहा है कि आउटर जो रीजन है, ये जो व्हाइट मैटर वाला जो आउटर रीजन है, इसमें कह रही है आपकी बुक के इसमें क्या होते हैं, इसमें न्यूरॉन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यूरॉन होते हैं, और इनर रीजन के अंदर क्या होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं। जबकि नॉर्मली अगर आप देखें किसी बुक में देखें, दूसरी जो बुक्स हैं उनमें, इनर रीजन के अंदर जो है वो सेल बॉडीज होती हैं ज्यादातर, और आउटर रीजन के अंदर ज्यादातर जो है वो एक्सॉन्स होते हैं। ये आप याद रखें, आउटर रीजन में एक्सॉन है, अंदर जो है वो सेल बॉडीज होती हैं। लेकिन आपकी बुक में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप फिलहाल इग्नोर कर दें। डियर, इसके अलावा देयर न्यूरॉन ईच स्पाइनल नर्व आर लोकेटेड एट वन ऑफ द स्वेलिंग द डोर्सल रूट गैंग्लियन। ये बात तो सही कह रहा है कि एक जगह पर यहाँ पीछे की तरफ थोड़ी स्वेलिंग हो गई है, जहां पर सेंसरी न्यूरोन के जो सेंसरी न्यूरोन जो मैसेज लेकर आ रहे हैं सिर्फ उनके एक्सॉन मौजूद हैं, बाकी तो दूसरे सेंसरी न्यूरोन के एक्सॉन तो ये ग्रे मैटर में होंगे जो इसके साथ सिनेप्स बना रहे हैं, बाकी जो लेकर आ रहा है उसके
सेल बॉडीज या सोमाज यहाँ पर होंगे जिसको कहेंगे डोर्सल रूट गैंग्लियन, लोकेटेड नियर बट बैक टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी डोर्सल साइड है तो स्पाइनल कॉर्ड के थोड़े पीछे की तरफ ही होंगे। द फर्स्ट सिनेप्स ऑफ ईच सेंसरी न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द ग्रे मैटर। ये तो आप सही बात है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर आ रहा है तो इसका जो पहला सिनेप्स बन रहा है दूसरे न्यूरॉन के साथ वो कहाँ पर बन रहा है, वो बन रहा है इसके अंदर ग्रे मैटर में, ये जहाँ से मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ग्रे मैटर के अंदर इसका पहला सिनेप्स जो है वो बन रहा होता है ग्रे मैटर में। एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड डियर एक्सोन एक्सटेंड थ्रू द वेंट्रल रूट टू द स्पाइनल नर्व एंड देन टू द एप्रोप्रिएट इफेक्टर। अब वो जो आगे वाली बात कर रहा है, अब ये दूसरी वाली जो बात कर रहा है ना नीचे वाली, वो मोटर न्यूरॉन की बात कर रहा है कि मोटर न्यूरॉन का भी एक सिनेप्स यहाँ बनेगा और उसके बाद वो वेंट्रल रूट से होता हुआ इफेक्टर यानी मसल्स की तरफ जाएगा। तो यहाँ कुछ चीजों को ना मिलाकर कंफ्यूज कर दिया गया है आपकी बुक के अंदर। ये जिस तरह मैंने समझाया बस इस तरह से याद रख लो। इसके बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन देख लो कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काम क्या करती है, जो आपकी बुक में स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस बताए हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अगर फंक्शन की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के दो फंक्शन आपकी बुक में बताए हुए हैं। एक तो स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये हो गया, इसके फंक्शन की बात करें तो एक स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन ये हो गया है कि एक्सप्रेस वे फॉर सिग्नल बिटवीन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक जो है वो एक्सप्रेस वे बिटवीन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पेरीफेरल पीएनएस कह लें, पीएनएस एंड ब्रेन। ऐसे सेंटेंस लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब ये जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अब इधर देखें, ये मिसाल के तौर पे ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और स्पाइनल कॉर्ड से ये जो पेरिफेरल नर्व निकल रही है ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कोई ब्रेन में मैसेज जाएगा तो उसका एक्सप्रेस वे जो है, यानी जाएगा जो, ज्यादातर जो हमारी स्पाइनल पेरिफेरल नर्व होती है वो मैसेज किसके जरिए होता हुआ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। तो मतलब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पूरी बॉडी से जो मैसेज ब्रेन की तरफ जाएगा ज्यादातर वो किसके जरिए जाएगा, वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। एक्सप्रेस वे यानी लिंक है बिटवीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड जो है वो ब्रेन, एक काम इसका ये हो गया। इसके अलावा और अगर हम इसके काम की बात करें तो दूसरा इसका काम क्या है कि ये इट आल्सो कंट्रोल सेंटर फॉर मेनी रिफ्लेक्सेस। एक और इसका काम यह है कि सेंटर फॉर मैनी रिफ्लेक्सेस। आपको पता है हमारे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं, बहुत से मैसेज ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जाते, वो वापस किससे आ जाते हैं, वो यहीं से जो है वो फौरन वापस आ जाते हैं। बताया था ना किसी गर्म चीज पर हाथ लगता है तो फौरन हाथ हटा लेते हैं, तो मैसेज ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो इसके कुछ मैसेज डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस इफेक्टर तक चले जाते हैं, तो कुछ रिफ्लेक्सेस के सेंटर भी जो है वो कहाँ मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड में। क्लियर हो गया ये? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो करें।